ओके लीडर्स, वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का ये जूम सेशन एक बहुत ही स्पेशल जूम सेशन आज हमने अरेंज किया है, और मुझे पता है कि आप सभी लीडर्स बहुत एक्साइटेड हैं। कल जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, कल जो ऑफर्स प्रमोशंस लॉन्च किए हैं, बहुत बड़ा एक्साइटमेंट हम पूरे ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आज का सेशन स्पेशली इसीलिए अरेंज किया गया है ताकि कल जो प्रमोशंस हमारे यहाँ लॉन्च हुए हैं, जो मोदी के ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो समीर जी हमारे लिए एक पूरी बास्केट लेकर आए हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति इस लॉकडाउन पीरियड के बाद आज अपना बिजनेस को बहुत तेजी से स्टार्ट कर सकता है। तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब चीजों को लेके। और मुझे पता है कि हम में से ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस महीना बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स, बहुत बड़े बड़े चेक लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, और इस एक चीज तो ये प्रूव हो गई है कि मोदी केयर इंडिया की नंबर वन कंपनी थी, है और रहेगी, क्योंकि मोदी केयर ने ये प्रूव कर दिया है कि वी आर द बेस्ट। क्योंकि इस समय में जहां कंपनीज के पास अपने कंसल्टेंट्स को पैसा देने के लिए नहीं है, वहां आज मोदी केयर कंपनी हमें इतने प्रमोशंस, इतनी इतने बेनिफिट्स दे रही है, और हमारी झोली पूरी तरीके से पैसों से भर दी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। और मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोगों में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी जिंदगी बदलने वाली है। आज ऐसे लोग होंगे जो कि यहाँ से अपनी ब्रांड न्यू कार जीत के जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। और मैं चाहूंगा कि अब हम इसको स्टार्ट करें, आज के सेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि हमने 12 बजे का टाइम दिया था और लगभग 7 मिनट ऊपर हो गए हैं। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ काफी अच्छे नंबर्स, यहाँ पे लगभग 800 लोग आ चुके हैं। तो वी शुड स्टार्ट इट नाउ, और जो आएंगे वो ज्वाइन करते जाएंगे। तो आज इस पूरे बोनांजा को समझाने के लिए, आज ये जो धमाका है, इस धमाके को समझाने के लिए हमने यहाँ पे स्पेशली हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को यहाँ इन्वाइट किया है। वो मोदी केयर में नॉर्थ रीजन के ASM है, और पूरा राजस्थान वो संभालते हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, मिस्टर अमित कुमार जी। आज अमित जी को हमने यहाँ पे स्पेशली इनवाइट किया है ताकि वो हमें बताएं कि कैसे इन प्रमोशंस को यूज करके एक 7% से लेके और GBD टाइटल तक कैसे अपने इनकम टैक्स को बढ़ाया जा सकता है। और मैं आप सब से गुजारिश करना चाहूंगा कि लीडर सब डायरी लेकर बैठिए, ताकि जो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं उनको नोट डाउन करें, ताकि आपको आगे किसी तरीके की समस्या इन ऑफर्स को लेके समझने में ना आए। और क्वेश्चन राउंड हम इस प्रोग्राम के, इस सेशन के बाद में लेंगे। किसी का भी क्वेश्चन होगा तो उससे हैंड रेज करके हम पूछेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके कोई क्वेश्चन रहने वाले नहीं है, और आप सब बहुत एक्साइटेड हैं आगे के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपकी जोरदार तालियों के साथ और बहुत बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैं यहाँ पे हमारे ASM सर को बुला रहा हूँ, मिस्टर अमित कुमार जी को। एक बार अमित जी के लिए जोरदार तालियां। और अमित जी, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे अमित कुमार हैं, तो सर एक बार आप अपना हैंड रेज कर दीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर दें। ओके, वेलकम अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के, काफी टाइम हो गया आपको देखे हुए। हमने तो आपके लिए ऑफिस खोला हुआ है सर। इवन हमारा ऑफिस खोलने का मकसद ही ये था कि हम कपिल जी के पास में रह सके वहां पर। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच सर। ऑफिस भी आपने ही दिलाया था मोदी केयर को यहाँ पर। और थैंक यू वेरी मच। मोदी केयर बहुत तेजी से काम कर रहा है, और बहुत सारे लोग नए होंगे, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम अमित है और मैं मोदी केयर में एरिया मैनेजर हूँ। राजस्थान हम लोग देखते हैं, और राजस्थान बहुत कमाल कर रहा है, लेकिन कमाल कभी भी अकेले नहीं होते, कमाल हमेशा जो होता है वो लोगों के साथ। और हमारी लीडरशिप इतनी बेहतरीन है कि लीडरशिप की वजह से आज राजस्थान जो भी कर पा रहा है उसकी कभी उम्मीद ना तो मोदी केयर ने की थी, ना कभी डायरेक्ट सेलिंग ने की थी। आज हम लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा देख रहे थे, जिसमें राजस्थान के जो डायरेक्ट सेलिंग में कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल
वो लगभग 4% है, यानी कि 4% ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का हिस्सा राजस्थान से आता है, पर मोदी केयर में जो राजस्थान से कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 11% के आसपास है। यानी कि आपने सारी इंडस्ट्री के जो ट्रेंड है वो फेल कर दिए हैं और जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा दिया है। जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग का वो दिल्ली से आती है और बॉम्बे से आती है, उसके बाद यूपी से आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आपकी उड़ीसा से आ रही है और राजस्थान से आ रही है। तो मतलब आप लोगों ने ट्रेंड बदल दिए हैं और मुझे पता है कि जब हमारी लीडरशिप खड़ी होती है तो फिर वो खड़ी होती है, उसको भी हिला नहीं सकता, और इन्हीं लीडरशिप के भरोसे हम लोगों ने बहुत सारे काम लिए। अभी हमारी समीर मोदी जी एडवाइजरी काउंसिलिंग में कल हम लोग ये लॉन्च करने वाले थे, उसमें कई सारे आइडिया हमें अच्छे लगे और उन आइडिया पे हमने काम किया और उस आइडिया को मिला के हम लोगों ने लॉन्च किया अपना नया जो जून का हम लोगों ने धमाकेदार ऑफर्स हमने लॉन्च किए प्रोडक्ट्स में और बिजनेसेस में। तो मोदी केयर हमेशा चाहती है और मोदी केयर हमेशा सुनती है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मोदी केयर में अपनी लीडरशिप की सुनते हैं। मैं ऐसी कई सारी कंपनियों को जानता हूं जहां अगर ना है तो वो ना है, लेकिन मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो 2 तारीख को 3 तारीख को अभी आके लास्ट मंथ में भी ऐड करा दी थी, जबकि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहां पर 30 या 31 तारीख हो गई तो सब दरवाजे बंद, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, जिसका रह गया रह गया। इवन मैं मोदी केयर को देखता हूँ, बड़ी फ्लेक्सिबल कंपनी है और हम लोग प्रोफेशनली नहीं है, हम लोग इमोशनली हैं, और मिस्टर समीर मोदी मानते हैं कि इंडिया की ताकत ही इमोशंस में, इंडिया की ताकत ही इमोशंस में, और इमोशंस के साथ हम लोग फैमिली के साथ में रहते हैं। बाहर अगर आप देखेंगे, बाहर लोग 18 साल के बच्चे को अलग छोड़ देते हैं, 18 साल के बाद बच्चा अलग रहता है, पेरेंट अलग रहते हैं, और कभी कभी संडे सैटरडे मिलने जाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि फादर आप हमारे घर आना, हम आपके साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह का कल्चर है, लेकिन मोदी केयर में ये कल्चर नहीं, मोदी केयर फैमिली है और फैमिली की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मोदी केयर में बहुत कुछ इस महीने हो रहा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लास्ट मंथ है जो डबल पीवी धमाका का लास्ट मंथ है। बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमारा तीसरा महीना है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की दूसरा महीना है कार फंड का, हाउस फंड का, या बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि पिछले महीने क्राउन कर सकते थे, हुआ नहीं, लेकिन इस महीने करके दिखाएंगे। तो डबल पीवी धमाका का ये लास्ट मंथ है, जो लोग इस महीने ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर कर लेंगे, आरबीडी कर लेंगे, बाय द वे में हमारे बीच में एक और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आ गए ब्यावर से, मिस्टर नरेंद्र चौहान जी, और बहुत उन्होंने बड़ा काम किया है। और नरेंद्र चौहान जी जाने जाते हैं अपने बोल्ड स्टेप के लिए, और जब ठान लेते हैं तब वो किसी की नहीं सुनते। मैंने देखा है कि जब उन्होंने आरबीडी किया था सीधे प्लेटिनम से आरबीडी किया था, और जीबीडी भी उन्होंने ऐसे टाइम पे किया जब लोग सोच नहीं पा रहे कि उनको कुछ करना है, जब लोग छोटे छोटे टाइटल के लिए आधे आधे बीवी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे टाइम पे भी जीबीडी किया। तो सैल्यूट है उनकी लीडरशिप को, और जो हमारी राजस्थान की लीडरशिप है, कपिल जी है, आलोक जी है, नरेंद्र खुरानिया जी है, अखिलेश जी है, तो ऐसी जो लीडरशिप जहां पर मिलती है, बहुत लकी लोग होते हैं जहां पर ऐसी लीडरशिप मिलती है। मैं अगर आज किसी दूसरी स्टेट में होता तो मैं स्ट्रगल कर रहा होता अपनी पहचान बनाने के लिए और लोगों की पहचान बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी लीडरशिप मिली जिनकी वजह से सबको पहचान मिली। आज समीर जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार मुझे जयपुर कब बुला रहे हो, मेरी अभी ऑलमोस्ट ट्यूजडे या मंडे बात हो रही थी, तो मंडे कह रहे थे कि मुझे जयपुर कब बुला रहे हो, बहुत दिन हो गए जयपुर आए, जबकि मतलब किसी स्टेट में वो इतना नहीं जाते जितना वो राजस्थान में आते, जयपुर में आते, और वो अभी भी आने के लिए तैयार है। और मैं सोच रहा हूँ कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिले जहां पर हम लोग इकट्ठा हो सके, इवन हमारी लीडरशिप इकट्ठा हो सके, ऐसे भी 50, 60 या 100 लोग हो सके, तो हम लोग कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं और मिस्टर मोदी को बुलाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ में रूबरू होंगे। तो बात करते हैं आज हम लोग, मैं शेयर करूंगा आपको कि हम लोगों ने क्या क्या लॉन्च किया है, और हम लोग बहुत सारी चीजें लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम हमने लेके आए हैं मोदी केयर में। मुझे एक मिनट लगेगा लॉगिन करने में, एक मिनट। तो मोदी केयर एक सक्सेस का नाम है आज, अगर आप देखें तो मोदी केयर में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा और डिलीवर करना पड़ेगा।
तो जब आप डिलीवर करते हैं तो धीरे धीरे चीजें बदल जाती है, जो आपका रिजल्ट है वो बदल जाता है। और अगर आप देखेंगे, जहां तक मेरा मानना है, संघर्ष हर आदमी के लाइफ में आता है, और जो संघर्ष होता है वही एक आदमी की हिस्ट्री लिखता है। संघर्षों में अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग संघर्षों में बन जाते हैं और बहुत सारे लोग संघर्षों में टूट जाते हैं। आपने देखा होगा महाभारत, महाभारत में युद्ध के बाद क्या हुआ किसको नहीं पता, पर ये जो युद्ध का प्रोसेस था ये सबको पता है। रामायण में अगर आप देखोगे तो रामायण में क्या हुआ ये रामायण में सबको पता है, लेकिन रामायण के बाद क्या हुआ या लव कुश के बाद क्या हुआ वो किसको नहीं पता। तो सर ये जो कलाकारी आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, और बहुत सारे अगर आपके पास में आर्ट पेपर ना हो तो हम लोग आपको भिजवा सकते हैं, और आपकी आर्ट ऐसे ऐसे मत करिए यार, लोग डलवा सकते हैं, मत कीजिए ऐसे, डोंट डिस्टर्ब सर। इसको है ना वो एनोटेट ऑफ कर दीजिए, आप डिसेबल कर दीजिए, आपके सेटिंग्स में ऊपर होगा। आपने मुझे होस्ट बनाया हुआ है? आपको होस्ट बनाया हुआ है सर। ओके सर, और इसको आप एक बार वापस से कैंसिल करके वापस शेयर कीजिएगा ताकि वो क्लियर आ जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे इस महीने, जैसे मैं बात कर रहा था, देखिए सारी जो सक्सेस है वो आपको है ना प्रोसेस के दौरान मिलती है, जो पहचान है वो प्रोसेस के दौरान मिलती है। आपने कभी मूवी देखी होगी, मूवी में हीरो को हीरोइन मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है किसको नहीं पता, लेकिन जो प्रोसेस की कहानी है उस कहानी में वो कैरेक्टर आइडेंटिफाई होता है कि ये कैरेक्टर हीरो है भाई, ये कैरेक्टर विलेन है, ये कैरेक्टर सपोर्टिंग एक्टर। तो जो हमारी स्टोरी है जीपीडी होने के बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन जीपीडी तक की सारी कहानी हर कोई व्यक्ति लिख रहा है। तो जो भी मजा है वो मंजिल पे जाने का नहीं है, मंजिल आप देखिए हम लोग पैदा हुए, पैदा होने के बाद में हमारी मंजिल है डेथ, लेकिन इस जन्म लेने से मरने तक के बीच की जो जर्नी है, इस जर्नी में हम क्या करते हैं वो बहुत बड़ी बात, और ये कुछ ही लोग लिखते हैं ये जर्नी, और जो लोग लिखते हैं उसकी जर्नी को इतिहास पढ़ता है। आज बहुत सारे लोगों की झांसी की रानी का इतिहास पढ़ते हैं, और अभी अगर आपने देखा होगा एक ज्योति सिंह है जो अपने फादर को, जिनका पैर में फ्रैक्चर था 80 किलो के थे, लेके गई बिहार दरभंगा 1350 किलोमीटर। इससे बड़ी बात क्या, लीडरशिप ये जब सिचुएशन आपके खिलाफ होल्ड हो और आप क्या डिसीजन लेते हैं। मेरे पास अगर कार होती ना, मैं कार से दिल्ली से बिहार नहीं जा सकता। साइकिल में बहुत बार पंचर हुआ होगा, हवा निकली होगी, बहुत सारे लोग कह सकते थे कैसे लेके जाए, बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई भी चढ़ी होगी, उसने उस अपने फादर को बैठा के, बहुत सारा सामान भी था उसके पास में, पर उसके बावजूद भी उसने लीडरशिप दिखाई। लीडरशिप हमेशा चमकती वही है जहां चैलेंजेस आता है, और बहुत सारे लोग चैलेंजेस में भीड़ में पीछे खड़े हो जाते हैं, वो मजे तो लेना चाहते हैं लेकिन उसका कोई उसका क्रेडिट उनको नहीं मिलता। तो मेन चीज ये है कि हमारे मोदी केयर में भी जो ऑफर है तभी काम करेंगे जब आपके अंदर लीडरशिप होगी, जब आप लोगों को बताएंगे, और अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मोदी केयर से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। मोदी केयर जो आज कर रही है बाकी कंपनी सोच भी नहीं पा रही, बाकी कंपनी कर भी नहीं पा रही। मैं एक ऐसी कंपनी में, मतलब मेरा दोस्त है न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में है, वो कह रहा है कि जो हमारी सेल है वो 60% कम हो गई। मैं ऐसी कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को जानता हूं जिसमें जो सेल है वो सेल खत्म हो गई, लोग बाहर हो गए। आज आप देखोगे ओला ने लोगों को निकाल दिया, उबर ने लोगों को निकाल दिया, जगुआर ने लोगों को निकाल दिया, मारुति ने लोगों को निकाल दिया, टाटा निकाल रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे हीरो होंडा के, हीरो के शोरूम से उसमें से निकले हैं फैक्ट्री से काफी लोग, क्योंकि लोगों को उतनी डिमांड नहीं लग रही। तो मोदी केयर में भी ये सारी चीजें तभी है जब आप अपने आप को प्रूव करते। तो ये जो ऑफर मैं आज आपको बताऊंगा ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, हमेशा पहले से ही कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके लिए है। तो धमाकेदार प्रोग्राम हम लोग लेके आए जून में, और जो सबसे बड़ा
हमने इस महीने के अनाउंसमेंट है हम उनकी बात करते हैं, तो इस महीने हमने लॉयल्टी और रीपर्चेज की जो बिलिंग है वो एक्सटेंड कर दिए 25 जून तक, यानी कि इस महीने भी लॉयल्टी और रीपर्चेज ऑफर आपको मिलेगा 25 जून तक। इन केस अगर आप लॉयल्टी मिस कर चुके हैं मार्च में, अप्रैल में, मई में, तो कोई बात नहीं, आप जून में करेंगे तो आपकी लॉयल्टी को हम कंटिन्यू मानेंगे, उसको ब्रेक नहीं मानेंगे। तीसरा पॉइंट है कि लॉयल्टी कूपन जिन लोगों के एक्सपायर हो गए मार्च में, अप्रैल में या मई में, उन लोगों के कूपन को हमने एक्सटेंड कर दिया है जून तक, वो लोग जून में भी अपना कूपन रिडीम करेंगे तो उनको सामान मिल जाएगा। जिन लोगों के कार फंड और हाउस फंड और वो उन्होंने फरवरी में एक महीना कम से कम कर लिया था और मार्च में नहीं कर पाए, अप्रैल में नहीं कर पाए, मई में नहीं कर पाए, तो जून में भी अगर वो करेंगे उनको कंटिन्यू मानेंगे। जिन लोगों के दो महीने फरवरी में हो गए थे उनका तीसरा महीना जून में हो सकता है। जिन लोगों का एक महीना फरवरी में हो चुका था और वो मार्च, अप्रैल, मई नहीं कर पाए, उनका दूसरा तीसरा महीना जून जुलाई हो सकता है। इस महीने भी हम लोग ट्रेवल फंड आप लोगों को दे रहे हैं, और ट्रेवल फंड में अगर हम बात करें तो ट्रेवल फंड में हम लोग आपको दे रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं तो ट्रेवल फंड हम लोगों ने देना शुरू किया है आप लोगों को, कि आप ट्रेवल फंड में जो भी पैसा मई में आप लोगों ने कमाया है वो सारा पैसा 1000 से लेके 30000 के बीच में वो मई के बोनस के साथ में 9th ऑफ जून को हम लोग आपको दे देंगे। यानी कि जो भी वो पैसा अभी तक होता क्या था कि मई जो भी ट्रेवल बोनस आता था वो ट्रेवल बोनस हम लोग रोकते थे अपने पास में और वो ट्रेवल फंड में काउंट होता था और जब भी आप विदेश यात्रा लेते थे उसमें वो पैसा काम आ जाता। लेकिन मई का ट्रेवल बोनस हम आपका रिलीज कर रहे हैं क्योंकि फील्ड में आज लोगों को पैसे की जरूरत है और वो पैसा चाहिए घर के खर्चे चलाने के लिए, बच्चों की फीस देने के लिए, इसलिए वो पैसा हम लोग रिलीज कर रहे हैं। जो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, वो ये है कि जिन लोगों का इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हुआ था, यानी कि मलेशिया जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कब जाएगा कैसे जाएगा कोई आइडिया नहीं, जिन लोगों का जिम कॉर्बेट क्वालिफाई हुआ था और उन्होंने एनकैशमेंट ऑप्शन चूज नहीं किया, तो जो लोग मलेशिया जाना चाहते थे उन लोगों के लिए 50,000 रुपए हमने डिसाइड किया है, जो किम जिम कॉर्बेट थे उन लोगों के लिए 7,000 रुपए डिसाइड किया है, उन लोगों को ऑप्शन आज हमने भेज दिया है, वो अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगले महीने उन लोगों को पैसा वहां पर मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हमने ऑप्शन निकाला है कि बहुत सारे लोग हैं जो बचे हैं, अभी लगभग 1000 के आसपास बचे हैं जिन लोगों को जिम कॉर्बेट के लिए पैसा लेना है और लगभग 800 लोग बचे हैं जिन लोगों को जिम कॉर्बेट के साथ में मलेशिया वाला अलग से, तो वो लोग भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 जून तक ये ऑप्शन खुला हुआ है। और अगला जो ऑफर है वो एनवायरो चिप पे है और ऑफर है कि 10 एनवायरो चिप लेने पे 3 एनवायरो चिप आपको मिलती है सिर्फ 1 रुपए की कीमत पे। एक एनवायरो चिप की कीमत है लगभग 580 रुपए, 3 आपको मिल रही है लगभग, आप देखेंगे तो 5,800 में आपको 13 एनवायरो चिप मिल रही है, लगभग 430-440 रुपए की आपको एक पड़ रही है, इससे बेस्ट पॉसिबल रेट आपको नहीं मिलेगा। पर कंपनी ने एक और ऑफर निकाला है, एक नया प्रोडक्ट निकाला है जो कि एनवायरो चिप का है और वो है फैमिली पैक, यानी कि अगर आप एक पैक लेते हैं फैमिली तो उसमें 4 कलर, मतलब 4 उसमें एनवायरो चिप आती है, 2 कलर आता है, 2 आपको मिलेंगे ब्लैक कलर की और 2 मिलेगी आपको सिल्वर कलर की, 4 का पैक है और 4 का पैक है आपको 1916 रुपए का, यानी कि अगर आप देखेंगे इससे बेस्ट रेट पे आपको नहीं पड़ सकती। और ये जो बेस्ट रेट है इसमें भी हम आपको एक फ्री दे रहे हैं, यानी एक फैमिली पैक लेते हैं तो कंपनी एक एनवायरो चिप अलग से देती है, तो 1916 रुपए में आपको एक मिलती है एक्स्ट्रा, यानी कि 5 मिल रही है 1916 में, तो लगभग एक की कीमत पड़ती है 380 रुपीज, एक एनवायरो चिप आपको 380 रुपीज में यहाँ पर आ रही है। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो लोग टाइटल करना चाहते हैं उनके सबसे पहली नजर में क्या प्रोडक्ट आता है, एनवायरो चिप, रखना आसान है, बहुत कम जगह गिरती है, दूसरा खराब नहीं होता, तीसरा एक्सपायर नहीं होता, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
इसके बाद अगला जो हमारा प्रमोशन है वो ये है कि लॉयल्टी में हमने कुछ चेंजेस किए हैं और जून जुलाई अगस्त के लिए लॉयल्टी में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जिन लोगों की बिलिंग हमने इस महीने भी रखी है 1500 से लेके अगर 2500 के बीच में कराएंगे तो भी लॉयल्टी हम आपकी मानेंगे, पर जो लॉयल्टी मानेंगे वो 80% बिजनेस वॉल्यूम की आपकी मानेंगे। यानी कि अगर आपने बिजनेस वॉल्यूम कह रहा अमाउंट की मानेंगे, 80% अमाउंट की है, यानी कि अगर आप 2000 रुपए की लॉयल्टी का अमाउंट खरीदते हैं तो लॉयल्टी में 1800 रुपए आपका 80% 1600 रुपए ही वहां पर काउंट है। यानी कि अगर आप 1500 रुपए की लॉयल्टी कराते हैं तो जो लॉयल्टी अमाउंट है वो सिर्फ 1200 रुपए उसका काउंट है, और जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा। तो कंपनी ने कहा है कि 1500 से लेके 2499 के बीच में जो भी अमाउंट का अमाउंट खरीदोगे लॉयल्टी में उसका 80% अमाउंट काउंट होगा लॉयल्टी अमाउंट में, और जो ऊपर करेगा 2500 से ऊपर उसके लिए 100%। यानी कि मैं 3000 का सामान खरीदूंगा तो मेरा लॉयल्टी अमाउंट 3000 काउंट होगा, मैं 2500 का खरीदूंगा तो मेरा लॉयल्टी अमाउंट 2500 काउंट होगा, और अगर मैं 2000 का खरीदूंगा तो मेरा लॉयल्टी अमाउंट 1600 रुपए काउंट होगा उस महीने के। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि लॉयल्टी की जो अमाउंट है वो कम नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोगों का बिजनेस कम हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लॉयल्टी अमाउंट कम करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में पैसा नहीं है। तो कंपनी ने दोनों ऑप्शन आप लोगों के दिए हैं, जून जुलाई अगस्त, इन तीन महीने कंपनी ने 1500 की लॉयल्टी आप लोगों के लिए रखी है, और अगस्त के बाद सितंबर से वापस 2500 की लॉयल्टी अमाउंट पे शुरू हो जाएगी। यानी कि जून जुलाई अगस्त के लिए आपको मिनिमम कितना करना है 1500 रुपए, और मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1500 से लेके 2500 के बीच में करेंगे तो 80% की वैल्यू काउंट होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगले महीने से यानी कि जुलाई से हम कुछ चीजों में जो डेट है उस डेट में चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो रीपर्चेज ऑफर है वो रीपर्चेज ऑफर 15 जुलाई तक ही रहेगा। यानी कि अभी तक जो रीपर्चेज ऑफर 23 तारीख तक होता था, अब वो ऑफर आपका सिर्फ 15 तारीख तक हुआ करेगा, और लॉयल्टी जो पहले 15 तारीख तक होती थी अब वो लॉयल्टी आपकी 25 तारीख तक काउंट हुआ करेगी। यानी कि अगर आप देखेंगे अगले महीने से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि अगले महीने से हर महीने जो रीपर्चेज ऑफर है वो 15 तारीख तक हुआ करेगा, और जो लॉयल्टी है वो 25 तारीख तक काउंट हुआ करेगी। और ये जो चेंजेस है ये अगले महीने से आपके वैलिड माने जाएंगे, लेकिन हम लगातार आप लोगों को ये बताते रहेंगे कि रीपर्चेज ऑफर पहले आएंगे पहले पाएंगे, लेट आएंगे उनको सिर्फ सामान मिलेगा, वहां पर ऑफर नहीं मिलेगा। 25 तारीख तक आएंगे लॉयल्टी में काउंट होगा, 30 तारीख में आएंगे लॉयल्टी भी काउंट नहीं होगी। तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए फायदा वहां पर होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बूढ़े हमें कहते थे पेड़ जो पैसा है वो पेड़ पे नहीं उगता, इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर हम बात करें तो मोदी केयर में जो पैसा है वो पेड़ पे उगता। किसी किसान से बात करेंगे वो भी यही कहता है कि पैसा पेड़ पे उगता, जिन लोगों के बाग है बगीचे हैं उन लोगों को जो पैसा है वो पेड़ से मिलता है। तो हम लोग एग्री मानसून धमाका लेके आए आपके लिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे बहुत बेहतरीन ऑफर हमने लॉन्च किया है, और राजस्थान में जो प्रोडक्ट्स है एग्री के बहुत अच्छे बिकते हैं। मैं बीकानेर की साइड में, सूरतगढ़ की साइड में या बाड़मेर की साइड में अगर देखूं तो बहुत अच्छा हमारे एग्री का सेल होता है वहां पे, और इसमें हमने ऑफर लाए हैं कि अगर आप एक नंबर से 2.5 लाख रुपए की सेल करते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि जून से लेके अक्टूबर 5 महीने, इन 5 महीने में आप अगर 2.5 लाख रुपए की सेल करते हैं तो कंपनी 10,000 रुपए की वर्थ का फोन आपको देती है। और ये जीतना नहीं है, ये कोई लकी ड्रा नहीं है, ये 100% आपको ऑफर मिलना है। और अगर आप 6 लाख रुपए की सेल करते हैं अपने एमसी नंबर से 5 महीने में तो कंपनी 35,000 रुपए का फ्रिज रेफ्रिजरेटर या टीवी आपको देती है।
इसके अलावा अगर आप 10 लाख रुपए की सेल करते हैं तो 10 लाख की सेल में कंपनी आपको क्या देती है, कंपनी आपको देती है एक मोटरसाइकिल या 60,000 रुपए वहां पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी कहती है कि अगर आप 50 लाख रुपए की सेल करो तो 50 लाख रुपए की सेल पे कंपनी 4 लाख रुपए आपको कार के लिए 4 लाख रुपए की कार आपको देती है, जो इसमें टैक्सेस होंगे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे, कंपनी 4 लाख रुपए का अमाउंट आपको लगभग दे सकती है जो भी आप करेंगे। और ये कंफर्म है, ये कोई लकी ड्रॉ नहीं कि मिले गई, ये कंफर्म है जो आपको मिलना ही मिलना है। और आपको जब आप गिफ्ट मिलता है कुछ टीडीएस कटता है, वो टीडीएस आपको बियर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। ये कार मोटरसाइकिल फ्रिज आप या मोबाइल फोन आप ले सकते हैं। अभी मेरी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में एक व्यक्ति था जिसका खाद बीज का काम है और उसने बोला कि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि ये जो अगर 50 लाख का सामान मैं बेचूं तो 8 से 10 लाख रुपए तो मुझे कोई भी कंपनी वाला दे देगा, आप तो सिर्फ 4 लाख रुपए की कार दे रहे हैं। मेरा मानना है दे देगा 10 लाख रुपए, लेकिन हम यहाँ पर 4 लाख की कार दे रहे हैं। अगर वो 10 लाख बीवी 10 लाख का सामान खरीदता है एग्री का अपने नंबर से, ये टीम का बिजनेस नहीं है, ये अपने पर्सनल नंबर पे करना है बिजनेस 5 महीनों में, 5 महीने में अगर वो हर महीने 10 लाख का बिजनेस करता है, 5 महीने में 50 लाख का बिजनेस करता है तो 4 लाख रुपए की कार। लेकिन क्या सिर्फ 4 लाख की कार है? बोनस, आप बोनस देखिए, पहले मैंने 10 लाख का बिजनेस किया, 10 लाख पे 60% बीवी मिले, 6 लाख बीवी पे 22% सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस, 22% का मतलब है 1,25,000, 6 लाख पे आपको 6% 36,000 रुपए आपको डायरेक्ट बोनस, यानी कि 30,000 रुपए वो 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहा है, 5 महीने लगभग 7.5 लाख रुपए प्लस एलपीबी। आप सोचिए वो व्यक्ति जिसके 6 लाख बीवी है एलपीबी कितनी कमाएगा, अगर वो अपनी एलपीबी लगाए तो 6 लाख बीवी पे 30,000 75,000 एलपीबी, यानी कि 2,25,000 रुपए महीना वो आराम से कमा रहा है। 5 महीने में जो इसकी इनकम है वो लगभग 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए साथ में 4 लाख की कार, 19 लाख रुपए, 19-20 लाख रुपए वो मोदी केयर से कमा सकता है। और ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात है, 50 लाख के बिजनेस पे 20 लाख रुपए बंदा कमा रहा है, 40% का फायदा है अगर वो अपने नंबर से करता है, 40% का फायदा। और इसके अलावा रीपर्चेज ऑफर अलग है, इसके अलावा ट्रेवल फंड अलग से है, और इसके अलावा अगर वो व्हीकल फंड लेता है व्हीकल फंड अलग है, और अगर वो हाउस फंड में तो हाउस फंड अलग से, तो लगभग वो 20 से 25 लाख रुपए कमा सकता है, 50% तक उसकी इनकम हो सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, और ये टाइम है, ज्यादातर कंपनी ऑफर देती है ऑफ सीजन में, लेकिन मोदी केयर ने आपको ऑन सीजन, रनिंग सीजन है अभी एक्टिविटी का, एक्टिव गोल्ड का, या अगर हम बात करें एक्टिव मैक्स का, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। हमें इसके ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना है। वांट मोर, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या और चाहिए, तो दिल से एक आवाज निकलती है, ये दिल मांगे मोर। तो कंपनी और चीज लेके आई है और वो आपके बिजनेस को और बूस्ट करने के लिए लेके आई है, और कंपनी चाहती है कि आपका बिजनेस तेजी से बढ़े। तो इस महीने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे डबल पीवी धमाका फिर वापस आया, डबल पीवी धमाका फिर वापसी है, और वेलकम बैक डबल पीवी धमाका का। और ये 1 जून से स्टार्ट हो गया है, 12 जून तक ये रहेगा। जिन लोगों को नई टाइटल लेने, मैं कह रहा हूं ये महीना लास्ट मंथ है, जो जीबीडी जाना चाहते हैं, जो आरबीडी जाना चाहते हैं, जो क्राउन जाना चाहते हैं, फिर ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। जो बीत गया वो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, और इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। जो लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं या अपनी टाइटल में चेंज करना चाहते हैं, वो इसमें काम कर सकते हैं। डबल पीवी धमाका, 100 पीवी है एक नंबर पे, चाहे नई ज्वाइनिंग है पुरानी ज्वाइनिंग है, एक नंबर पे मैक्सिमम 100 पीवी मिल सकता है, इसलिए हर नंबर पे 100-100 पीवी कराइए। 100 पीवी कंपनी देगी, और आपको जो डायरेक्टर जाने के लिए पहले 1,60,000 बीवी चाहिए थे, वो सिर्फ 80,000 बीवी अगर आप करते हैं अपनी डाउनलाइन के साथ में मिल मिलके,
तो भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं, बहुत इजिली आप क्राउन जा सकते हैं, बहुत इजिली आप प्रेसिडेंशियल जा सकते हैं, बहुत इजिली आप आरबीडी जा सकते हैं या आप जीबीडी भी जा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन धमाका आप लोगों के पास है जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, पर सवाल ये है कि क्या करना चाहते हैं। अपने आप से सवाल पूछिए और अगर आपको सवाल का जवाब मिलता है हाँ, तो आज से लग जाइए, आज से लोगों को बताइए, आज से टीम बनाइए, आज से जूम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए, लोगों से मिलना शुरू कर दीजिए और आप देखना ये कितना इजीली आपका हो सकता है। और अगर आपको कोई परेशानी आती है आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप अपनी अपलाइन का फोन कर सकते हैं और आपकी अपलाइन कैपेबल है आपको ये सारी चीजें बताने। इसके अलावा कंपनी ने एक और नया धमाका निकाला है और वो है चेक मैच बोनांजा। चेक मैच बोनांजा है जो इतना बेहतरीन ऑफर कंपनी ने निकाला है, इसका जो फायदा है, हमारे सामने ऑप्शन था कि हम टॉप लीडरशिप को पैसा बांटे या डाउनलाइन को या जो नीचे के फ्रंट लाइन लीडरशिप है उनको पैसा बांटे या जो स्पॉन्सर है जो ड्राइव कर रहा है उसको पैसा बांटे। तो कंपनी ने कहा कि नीचे के लोग पैसा कमाएंगे तो ऊपर के लोग तो अपने आप ही पैसा कमाएंगे। ज्यादातर कंपनी जो पैसा घुमा फिरा के देना चाहती है वो ऊपर के लोगों को देना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ 4-5 लोग ही बिजनेस को चलाते हैं। पर मोदी केयर का मानना है कि बैलेंस होना चाहिए, एक सब्जी में नमक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मिर्च भी होनी चाहिए, मसाले भी होने चाहिए और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी होने चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने बैलेंस किया हुआ है कि हमारे लीडर भी पैसे कमाए और साथ के साथ हमारे जो नए लोग हैं इस बिजनेस में वो भी पैसे कमाए। अब नए पैसे कमाने का सवाल था कितना पैसा कमाए, जितना आपको लगता है अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा है। किसी की नजर में 1,000 रुपए कमाना अच्छा है, किसी की नजर में 2,000 कमाना अच्छा है, किसी की नजर में 5,000 रुपए अच्छा है, किसी की नजर में 10,000 अच्छा है। पर मैक्सिमम लोग जो आज नौकरी कर रहे हैं या जो सैलरी लेते हैं वो 8,000-9,000 रुपए कमाते हैं। 8,000-9,000 रुपए कमाने में उनको सब कुछ नहीं मिलता और उसमें से कुछ पैसा वो आने जाने में लगाते हैं, कपड़ों में लगाते हैं, खाने पीने में लगाते हैं, कुछ 3-4 हजार रुपए उनको बचता है, वो यानी कि 3-4 हजार रुपए के लिए काम करने। तो मोदी केयर ने कहा है कि आप मोदी केयर से पहले महीने में 5,000 रुपए कमा सकते हो। इसलिए चेक मैच बोनांजा निकाला है कि आप अपने डायरेक्ट में लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, यानी कि जो स्पॉन्सर आपने मार्च में किए हैं, अप्रैल में किए हैं, मई में किए हैं और जून में किए हैं, उन लोगों को भी हमने काउंट कर लिया है। यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग आपने मार्च में कराई वो भी अगर आज जितना पैसा कमाएगा उतने ही पैसा आपको मिलेगा। सपोज करो आपने मेरी ज्वाइनिंग कराई थी मार्च में और मेरा जो परफॉर्मेंस बोनस है जो मैंने कमाया 400 रुपए कमाए, तो 400 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, 400 मेरे अपलाइन को भी मिलेंगे, यानी कि आपको भी मिलेंगे। आपने मेरी ज्वाइनिंग कराई अप्रैल में और मेरे 500 रुपए कमाए, तो 500 मुझे मिले, 500 आपको भी मिलेंगे। आपने किसी राम की ज्वाइनिंग कराई जून में और जून में उसने 400 रुपए कमाए, तो उनको तो 400 रुपए मिलेंगे राम को, लेकिन आपको भी 400 रुपए मिलेंगे। तो एक नंबर से जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 500 रुपए और ओवरऑल एक आदमी को मिलने के जो लिमिट है वो 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकता। मैं आज 40 ज्वाइनिंग लगाऊं और 40 ज्वाइनिंग 50,000 करें तो मैं इन 40 ज्वाइनिंग को संभाल नहीं सकता, तो 12,000 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे कितना मिल सकता है मैक्सिमम 3,000 रुपए। तो आपको मैक्सिमम एक बंदे से 500 मिल सकता है एक नई ज्वाइनिंग से, और वो नई ज्वाइनिंग खुद भी कमा सकता है, वो भी अपने नीचे ज्वाइनिंग कराए और वो जितना पैसा कमाएगा उसकी ज्वाइनिंग उसका पैसा उसको ऊपर मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो नया बंदा उसको पैसा देना चाहिए, बिल्कुल नया बंदे को पैसा देना चाहिए, हम दे रहे हैं, वो अपने नीचे ज्वाइन कराए, जितना वो कमाएगा उतना वो भी कमाएगा, वो अपने नीचे 3 और ज्वाइन करा ले फ्रंट में स्पॉन्सर बन के, वो जितना कमाएगा उसका अपलाइन भी उतना ही कमाएगा। यानी कि हर व्यक्ति को पैसा, जीबीडी भी पैसा कमा सकता है, डायरेक्टर भी पैसा कमा सकता है और नया जो आज ज्वाइन हुआ है वो भी 2-3 लोगों को ज्वाइन करा के, अगर 3 लोगों को ज्वाइन कराता हूँ और वो 300 लोग वो 3 लोग 500-500 रुपए कमाते हैं तो 1,500 रुपए मुझे वहां पर मिल जाता है। तो चेक मैच बोनस में तभी मिलेगा जब हम केवाईसी अपनी करेंगे और जिसके जिससे मिल रहा है उसकी केवाईसी होनी चाहिए, अगर उसकी केवाईसी नहीं है तो वो पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह का यूनिक प्रमोशन आज तक लॉन्च नहीं हुआ।
तो बहुत बेहतरीन प्रमोशन है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को हमें बताना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा डबल पीवी धमाका, हमने डीपी के लिए हमने धमाका निकाला है और डीपी के लिए 6% का इंसेंटिव कर दिया है हमने। जिन लोगों की डीपी अप्रैल से पहले खुली है, उनका जो भी एवरेज होगा मार्च का और अप्रैल का, या अगर हम अप्रैल की बात करें, अप्रैल का है या मई का जो भी है, वो एवरेज होगा, उस एवरेज के ऊपर जो भी बिजनेस करेंगे उसके ऊपर उनको 2% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। सपोज करो अप्रैल में मेरा 2 लाख का बिजनेस था, मई में भी 2 लाख का बिजनेस था, अप्रैल में 2, मई में 2, तो मेरा एवरेज 2 लाख, लेकिन जून में मैंने 5 लाख का बिजनेस कर दिया, तो पहले 2 लाख पे 4% मिलेगा और बाकी के जो 3 लाख है उस 3 लाख पे 6% कमीशन मिलेगा, यानी कि बाकी 3 लाख पे 18,000 मिलेगा और पहले 8 मिलेगा, तो 26,000 रुपए मुझे कमीशन मिलता। जबकि अगर पहले वाले प्लान में देखे 5 लाख की बिलिंग पे जो कमीशन मिलता मुझे लगभग 20,000 रुपए, अब मुझे 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो नई डीपी, क्योंकि डीपी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और सैल्यूट है हमारी डीपी होल्डर्स को, जिन्होंने कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को सर्विस दी, रात रात भर जाके इन्होंने आपके ऑर्डर लगाए। और जो मोदी के राज जिस भी मुकाम पे ही अपनी डीपी की वजह से, और डीपी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से, बहुत सारे लोगों की बदनामी भी होती है जो डीपी काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ डीपी ऐसे जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और सैल्यूट ऐसे लोगों को, और मोदी के केयर की तरफ से ऐसे लोगों को स्पेशल रिकग्निशन हम लोग देंगे, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे भी होम डिलीवरी की है, जिन्होंने अपने डीपी खोले और मोदी केयर बढ़ने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हमने निकाला है, जिन लोगों के एक मई से 31 मई के बीच में ली है, उन लोगों का जो हमने माना है वो 60,000 रुपए मिनिमम उनको करना है, 60,000 पे 4% मिलेगा और 60,000 से ऊपर उनको 6% का कमीशन मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को बताएं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और जो लोग जून में खोल रहे हैं उन लोगों के लिए भी हमने यही ऑफर डाला है कि उनको वहां पर मिले, तो बहुत अच्छा ऑफर हम लोगों ने निकाला है। और अगर आप देखें तो ये जो स्टोरी है, कोई भी सक्सेस एक चीज से नहीं बनती, सक्सेस मिलती है कॉम्बिनेशन से। और मोदी केयर में आज बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, मोदी केयर में बहुत अच्छा प्लान है, मोदी केयर में अगर आप देखें बहुत अच्छी प्रोफाइल है, और मोदी केयर में बहुत अच्छी लीडरशिप है। आने वाले 3 महीने में 25 नए प्रोडक्ट्स हम आपको देने वाले हैं, 25 न्यू प्रोडक्ट्स हमारे लाइनअप में हैं, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाले हैं, आप लोग उसके ऊपर ले सकते हैं। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कपिल जी, आलोक जी, ये जो चेक बोनंजा ऑफर है ये आपका, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं, सॉरी सर मुझे याद ही नहीं रहा, कपिल जी को मैं होस्ट बना रहा हूं। ये जो चेक बोनंजा ऑफर है ये सिर्फ इसी महीने के लिए, चेक मैच बोनंजा है सिर्फ इसी महीने के लिए है। और आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, कुछ नए नए करते जाएंगे। हम लोग आपका जो चेक है वो इस साल के लास्ट में डबल देखना चाहते हैं। जो लोग आज 5 लाख कमाते हैं उनका चेक 10 लाख रुपए, जो आज 20,000 रुपए कमाते हैं वो कम से कम 50,000 रुपए, जो 1 लाख कमाते हैं वो कम से कम 2 लाख रुपए। तो मोदी केयर ने पूरे साल के लिए प्लानिंग कर ली है, हर महीने का प्लान हमारे पास में रेडी है, हर महीने कुछ ना कुछ एम्यूनेशन देते रहेंगे, लेकिन अगर आप लास्ट मंथ पे करने की सोचोगे तो पॉसिबल नहीं। हर चीज का प्रोसेस है धीरे धीरे। अगर आप देखो बच्चा आता है वो पहले करवटे लेना शुरू करता है, फिर वो घुटने के बल चलता है, फिर वो धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे भागता है और फिर धीरे धीरे वो रेस में आता है। तो हर चीज के लिए एक अपना टाइम डिसाइडेड है और ये टाइम है आपको आगे बढ़ने का, लीड लेने का। और मैं आपको एक बात
बता दूं कि मोदी केयर में राजस्थान अब नंबर वन स्टेट नहीं है। मोदी केयर में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को झटका देना, और मोदी केयर में राजस्थान ने अपने आप को झटका दिया है और अब उड़ीसा नंबर वन है, और उड़ीसा नंबर वन है और हमसे 2 करोड़ रुपए का बिजनेस ज्यादा करता है, 2 करोड़ रुपए का। तो अब हमारे पास में शेर, जो लोग कहते हैं ना शेर पीछे हटता है, तो वो सिर्फ डर के नहीं हटता, वो पीछे एक लंबी छलांग के लिए हटता है। तो ये हम नंबर वन, ये एक अपने आप में प्राउड फीलिंग है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम अच्छे हैं, पर ये प्राउड फीलिंग है। अगर अच्छे हैं और लीडरशिप है तो क्यों ना नंबर वन भी हो, और नंबर वन तभी होंगे जब हम सारे लोग एक साथ एफर्ट लेंगे। और मोदी केयर में राजस्थान ने खराब नहीं किया, पर मोदी केयर ने उतना, राजस्थान ने उतना अच्छा नहीं किया जितना उड़ीसा ने किया। उड़ीसा 40% की ग्रोथ से भाग रहा है और राजस्थान लगभग 22% की ग्रोथ से भाग रहा है। लगभग पिछले महीने हमने 22% से ग्रो किया है, पर जो उड़ीसा है वो 40% की ग्रोथ से आगे भाग रहा है, तो वो हमसे आगे है। और अगर हमें कमबैक दिखाना है तो ये बेस्ट मंथ है जिसमें हम कमबैक कर सकते हैं। और यज्ञ में हर आदमी को आहुति डालनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एक आदमी का काम नहीं, राजस्थान मेरा नहीं है या आपका अकेले का नहीं है, हर व्यक्ति का है। तो कंट्रीब्यूशन और एफर्ट भी हमें सबको लगाना पड़ेगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अमित जी, थैंक यू, और इतने इतनी लाजवाब इंफॉर्मेशन देने के लिए। और मतलब ये तो पूरा एक बास्केट है जिसमें कि जिसको जो अच्छा लगता है वो उठा के और बिजनेस कर सकता है। मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आज हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं बिजनेस करने के लिए, और इसके साथ साथ अब ये 7% से लेके जीबीडी तक एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, डीपी होल्डर्स को भी अलग से 2% दे दिया। अब इसमें जैसे एक अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो जून में डीपी ओपन करेंगे क्या उन्हें भी 6% मिलेगा? बिल्कुल सर, मिनिमम 50,000 है, 50,000 से ऊपर करेंगे उसके ऊपर 6% कमीशन मिलेगा। ओके, तो 50,000 तक तो 4% मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सर, उसके ऊपर वाले वॉल्यूम, उससे ऊपर वाले पे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। बिल्कुल सर, तो डीपी खुलवाइए, जितनी डीपी खुलवाएंगे, सपोज करें कोई नया बंदा 10 लाख का बिजनेस करता है पहले मिल नहीं, 60,000 रुपए की इनकम बहुत अच्छी इनकम होती है सर। आज कितने लोग 60,000 कमा रहे हैं महीना का, और 10 लाख रुपए का बिजनेस तो कुछ भी नहीं मोदी केयर में। आप 2 लोगों को भी पकड़ लोगे ना, जो कार कमाना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, हर महीने 10 लाख का बिजनेस तो वही आपको देता रहेगा। सही बात। और एक क्वेश्चन है सर कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं? ये कह रहे हैं कि वीट और फ्लोर कब आएगा, पल्सेस कब आएंगे, ऐसा कुछ नहीं सर? लगभग 25 प्रोडक्ट्स है, और हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस बना है, वो प्रोसेस बना है कि मिस्टर मोदी सबसे पहले स्मैक में बताएंगे, समीर मोदी, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे हमारे सारे वेयर हाउस खुले हुए हैं, सारे एमएससी खुली हुई है, और बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करिए चीजों के ऊपर, और इस महीने वो करिए जो करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच आज के लिए, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच अमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच सर।